तो हम वापस से आ गए हैं वो कॉमिक बॉब वाला गेम लेके जिसको हमने बाकी छोड़ा था। अच्छा तो ये राजू कुत्रा देवी की सोच में चल रहा है। ए क्या शेर तो पीछे से आ गया, लगता है भूखा है तो चूहे से पेट नहीं भरेगा तो ये मांस का टुकड़ा खिला देता हूँ। ए क्या ये मेरा हाथ ही चबा दिया बाबा, छोड़ छोड़। इसे कहते हैं उंगली दी तो पूरा हाथ ही छीन लिया, क्या भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब की बार तो चूहा ही खिलाऊंगा साले को। चमाइला शेर तो चूहे से डर गया, ये तो क्या हिरन मारेगा रे, साला शेर चूहे से डरता है। लगता है बाबा शेरों का जमाना गया। ए गड्ढे में गिर गया, अब क्या करूं, साला सीढ़ी लगा के तो हर कोई चढ़ता है, ये बाप के मर गुब्बारे से निकलेगा। ये फुलाया गुब्बारा, चमाइला मेंढक है कि गुब्बारा। अरे मेरे को वो वाला गायन याद आ गया, भांची बानो उड़ता फेरो मस्त गगन में। अरे बाबा ये तो कोई चुड़ैल दिख रही है, ये साला राजू बहुत डर गया डरपोक कहीं का। ये एक काम करता हूँ, मसाल ही जलाता हूँ। ये नहीं करना था तो क्या चुड़ैल को गुलदस्ता दूँ? यही करना पड़ेगा साला, आपकी बार तो गुलदस्ता ही देना पड़ेगा। ये ले चम्मा अलग गुलदस्ता देख के चुड़ैल भी लड़की बन गई। दो तीन चार ऐसी आ जाए तो मजा ही है। और ये लड़की देख यार राजकुत्रिया का दिमाग और गुर्दे में लड्डू फोड़ने लगा, हरामी मानुस। और ये अगली कहानी में ये दोनों हाथ पकड़ के आए और ये पत्थर के सामने आकर रुक गए। ओ अच्छा तो ये टाइटेनिक का सस्ता वर्जन है, कोई नहीं हम भी तो देखे राजकुत्रिया पत्थर पर कैसे ड्रॉइंग बनाता है। बना राजू बना। चमाइला राजू ने तो एकदम ही बोल्ड ड्रॉइंग बनाया, मियाँ तो तेर को हरामी मानो समझता था रे, तू तो उससे भी गया गुजरा निकला। तो इधर थोड़ा गड्ढे में कीचड़ है, इसको तो राजू को ही पिलाते हैं, चल बाबा पी। चमाइला नीला पीला हो गया पर गटक गया। ये लगता है कि ये राजू की खोली है। चाय वाय नहीं सीधा चुम्मा लेते हैं रे बाबा। ये इसने तो गुलदस्ता ही मुंह पे दे मारा। चमाइला इस चटोरी को तो चाय ही पिलानी पड़ेगी, अब की बार तो चाय ही पिलाते हैं। और वो दोनों अंदर गए। और ये क्या, इसको चाय के साथ चुम्मा भी चाहिए था, चुम्मा के लिए इतना ड्रामा। ये देखो कैसे डांस कर रहा है हरामी, इसकी तो निकल पड़ी। चलिए आगे जाते हैं। हाँ तो इसमें राजू अपनी कोली के बारे में सोच के आगे बढ़ रहा है। और ये क्या है, यहाँ तो शेर, गाय का शेर, शेर थोड़ी छह। तो यहाँ पे वो बड़ा चूहा है तो उसको स्प्रे मारते हैं। पता नहीं ये कौन से जमाने का शेर है। वो तेरी, यहाँ पे तो बादल और बारिश दोनों आ गए हैं, तो छाता ही निकालना पड़ेगा। तो पहुंच गए ये खोली की ओर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब राजू को मांस का टुकड़ा चाहिए, वो भी हिरन का। ये राजू अभी सुधर जा नहीं तो सल्लू जैसा हाल होगा, रस्सी से ही पकड़ना पड़ेगा लगता है। तो राजू ने अपनी बात नहीं मानी और वो गोश्त ले आया। तो यहाँ पे इसको पकाना भी है, तो यहाँ पे लकड़ियाँ है ही, तो लाइटर की ही जरूरत पड़ेगी ऐसा लगता है, तो लाइटर ही जलाते हैं। तो ये पक गया है, चलो आगे देखते हैं। लगता है ये हिरण के गोश्त ने तो पूरा सिस्टम ही हिला डाला, जैसे कि सल्लू भाई का हिला था। तभी ये टॉयलेट पेपर लेके जाना पड़ रहा है। ये और ये क्या, ये प्रेशर के टाइम पे कोई मस्ती नहीं बाबा।
अगर यहाँ ही हो गई तो क्या करेंगे? रुक जा, अभी तेरे को गिलोल से मारता हूँ। इसको तो गिलोल से भी माना नहीं आता। अब की बार तो ये गुब्बारा ही निकालना पड़ेगा। और ये टॉयलेट पेपर आ ही गया। अब ये मगर रास्ते में, एक काम करते हैं, रस ही डाल देते हैं। अरे भाई साहब, एक तो ज्यादा लगी है और एक पे एक मुसीबत आ रही है। और अब ये बाथरूम में घास चबा रहा है। एक बार हॉर्न बजा के देखता हूँ। बाबा इसने तो दरवाजा ही बंद कर दिया। अब की बार तो उसे ट्रिमर ही चलाना पड़ेगा लगता है। अब की बार तो इसके सारे बाल निकल देता हूँ ट्रिमर से। कैसे कैसे नंगा होके भागा, मस्त। तो चलो, यहाँ पे अपना इम्पोर्टेंट मिशन पॉटी खत्म हो गया है, तो आगे चलते हैं। सेब खाने में इतना क्या सोचने का? ये डाला हाथ और उठा लिया। ये तेरी, ये तो हाथ फंस गया। अब की बार ये डंडी लगाते हैं और फिर उठाते हैं। तो यहाँ ये रेस्टोरेंट के सामने 3-4 सांप आ गए हैं। इनको ढक्कन में बंद कर देते हैं। ये चमेला, इसने तो काट लिया। अब की बार तो लकड़ी ही लेता हूँ। ये राजू तो पूरा सांप ही निकल गया। एक सांप को निकलते देख 2 सांप भी अंदर चले गए। बहुत ही आरामी मानुस है ये राजू। अब ये इधर राजू लगता है मछली लेने आया है। कीड़ा ही देता हूँ। अरे ये मछली ने तो कीड़े के साथ साथ मेरा हाथ भी चबा लिया। ये हट, हल्का हट। अब की बार तो चाकू से ही इसका गेम बजा देता हूँ। ये निकाला चाकू, ये हाँ पीछे हट जा। और ये साला एक मछली चाक मार दे गई। नाच क्या रहा है, हल्कर मछली हाथ से चली गई। अब लगता है कि ये बंदर की मछली वापस लानी पड़ेगी। हाँ वही ढूंढने निकला है। और ये आराम से किनारे पे बैठ गया। और ये इसमें इतना सोचने का क्या, ये कीड़े से तो ज्यादा मछली राजू के फटे मोजे से मर जाती है। ये डाला मोजा पानी में और ये कुछ तो आया है ऐसा लगता है। अरे ये क्या, ये मछली तो वापस चकमा देख के भाग गई। ये राजू से काम ठीक से नहीं होता, ये तो क्या गुंडा बनेगा। अब की बार तो ये कीड़ा ही डाल देते हैं। ये बाबा, अरे बाबा ये क्या हुआ, ये मछली है कि बबाल? अब हमें बीच नदी में छोड़ दिया। अब ये 2 मछली में से एक को पसंद करना है, तो नीली वाली लेते हैं। ओ तेरी, कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? ए मजा आ गया, क्या सवारी मिली है, वाह। और ये सवारी के साथ साथ सामान भी फ्री। तू कहाँ थी रे, तू तो देव मछली ही निकली रे, देव। और ये बंदर मछली को देख के बौखला गया। ले भाई ले, तेरी अमानत तुझको ही मुबारक, मैं तो बिना छिलके का केला ही खा लूंगा। हाँ तो इस बार राजू कुत्रिया को किसी पार्टी में जाना है। और ये क्या है, बीच में मधुमक्खी इसका स्वागत करने के लिए तैयार है। इनको सबक सिखाना पड़ेगा। ये राजू इसको मार मार। ये राजू, ये राजू से तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। चाह अब की बार एक काम करना, वो गीदड़ की तरह उस झाड़ियों के पीछे छुप जाना। ये ले,
तुझे यही काम अच्छी तरह से आता है। और यहाँ पे दो सांप और साथ में बादल भी आ गए हैं बारिश के साथ। ये ग्रीन वाला लेते हैं, ये ग्रीन वाला। चमायला, आजकल तो सांप भी फुल सर्विस देने लग गए हैं। एक सांप को सांप ही बचा सकता है ना, हैं? हाँ, ये काम अच्छा किया। इस जंगली को अपने बाल कटाने की सख्त जरूरत थी, लेकिन ये सारी हेयर स्टाइल भी जंगली लग रही है। ये रखते हैं। और कपड़ों में ये अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अरे ये क्या, ओ इस लेवल में ये बंदर क्या कर रहा है झाड़ियों के पीछे? क्या ये अभी तो कोई टॉयलेट करने की जगह है? रुक जा, अभी सबक सिखाता हूँ। उसका पानी उस पर ही उछलता हूँ। ओ उल्टा मेरे को झटका लग गया। अब की बार ये कार ही बुलाता हूँ। हाँ, ओ तो ये बंदर यहाँ पानी डाल रहा था। डाल बाबा डाल, सॉरी यहाँ तेल को मैंने डिस्टर्ब किया। और ये इधर राज को फूल मिलते ही अपने फूल की याद आ गई। ये रास्ते में बड़े बड़े खीले किसने रखे हैं? इसको तो हथौड़े से ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ ऐसे मार मार। और ये यहाँ अपना हो गया काम। और ये आगे अंगड़ाई खा रहा था, और ये चमकादार गुलदस्ता ले गया। इसको तो तू रुक, तू रुक। और ये डाला निशाना, ये देख के तो चमकादार ने भी मजाक उड़ाया। क्या दिन आ गया है रे बाबा, अब की बार तो ये पंछी ही निकालना पड़ेगा। अरे वाह, अरे वाह, ये लकड़ हारा है कि या पत्थर हारा? इसने तो पूरा पत्थर ही फोड़ डाला। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो गाइस।